एक दरोगा साहब अपना भेष बदलते हैं और अपना भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी पत्नी 5-6 सालों से अपने मायके रहा करती थी। इसके बाद जैसे ही अपनी पत्नी की हालत देखते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों, आखिर क्या कहानी थी जो ये दोनों फूट फूट कर रो रहे थे, और क्या कारण था कि दरोगा साहब अपनी पत्नी के मायके में भेष बदल कर उससे मिलने गए थे? आखिरकार उनकी पत्नी 5-6 सालों से अपने मायके में क्यों रह रही थी? तो दोस्तों, इस सच्चाई को जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सच्चाई बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, बस आपसे एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से इस कहानी को बताते हैं आपको कि आखिर दरोगा साहब भेष बदल करके क्यों मिलने गए थे अपनी पत्नी से। दोस्तों, ये घटना है झारखंड की। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार में एक माता पिता होते हैं और एक उनकी बेटी होती है, जो कि उनकी बेटी का नाम पूजा होता है। और पूजा पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज होती है। और उसके घर में सिर्फ उसके माता पिता और पूजा तीन जन ही रहा करते हैं। पूजा अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। पूजा के पिताजी का इच्छा होता है कि मेरी बेटी जो है पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी हासिल करें, क्योंकि उसके पिता एक सरकारी टीचर होते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं। उनका जीवन जो है उसी से काफ़ी अच्छे से बीत रहा होता है, फिर इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है सरकारी नौकरी हासिल करे और अच्छे से अपना जीवन बिताए, अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे। और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए काफ़ी मदद किया करते हैं, जो भी उसकी इच्छाएं होती थी, काफ़ी कलम से लेकर के ड्रेस से लेकर के कपड़ा लत्ता से लेकर जिससे उसको आज़ाद करे रहते हैं। और पूजा जो है अच्छा खासा पढ़ाई भी करते रहती है, उसका पढ़ाई में काफ़ी मन लगते रहता है, जो है कि पूजा मन लगा के पढ़ते रहती है। पढ़ते पढ़ते जो है कुछ दिन के बाद उसकी मेहनत जो है एक दिन रंग लाती है, एक जो है कि सरकारी बैंक में उसकी नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद जब उसके पिताजी को मालूम पड़ता है, उसके पिताजी और माताजी जो होती हैं उसकी काफ़ी खुश होती हैं। और जो है इसी तरह से फिर अपना जो है पूजा नौकरी ज्वाइन करती है। इसके बाद कुछ दिन और बीतता है, 6 महीना बीतता है, सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दूँ और बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, अब इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तब उसके पिताजी अपने रिश्तेदारों में गाँवपुर में जो है कि एक लड़का ढूंढने लगते हैं, बात चलाते हैं। तो 2-3 महीना जाते जाते एक लड़का उसको दिखाया जाता है उसके पिताजी को। तो जो है कि लड़का काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज था और IPS अधिकारी बनने की जो है कि ट्रेनिंग दे रहा था। तो उसके साथ जो है कि उसका रिश्ता फिक्स कर दिया जाता है। उस लड़के का नाम जो है राजेश होता है। तो राजेश और पूजा की दोनों जन की जो है कि शादी कर दी जाती है बड़े ही धूमधाम से, और जो है कि बड़े ही रीति रिवाज के साथ उन दोनों की शादी कर दी जाती है। फिर पूजा जो है कि राजेश के घर में दुल्हन बन के आती है, उनके माता पिता का जो है आदर सम्मान करती है और अपने परिवार में वो रहने लगती है। 1-2 महीने रहने के बाद फिर जो है इसके बाद फिर पूजा जो है अपना सरकारी जो बैंक में उसकी नौकरी लगी थी, फिर अपना बैंक में वो जाने लगती है और घर का अच्छे से काम काज करती है। काम काज करने के बाद जो है कि फिर चली जाती है नौकरी के लिए, नौकरी करके आती है, फिर अच्छे से अपने सास ससुर का और अपने पति का लेके अच्छे से चलते रहती है। फिर इसी बीच जो है कि राजेश की जो ट्रेनिंग दे रहा था फिर उसकी भी नौकरी लग जाती है। करीब 2-3 साल बीत जाता है, राजेश भी नौकरी करने लगता है और उसकी पत्नी भी नौकरी करने लगती है। तो इस बीच में जो है कि उसके माता पिता घर पे अकेले रह जाते थे, तो फिर एक दिन राजेश अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो तुम भी नौकरी करती हो, हम भी नौकरी करते हैं, माता पिता घर पे अकेले रहते हैं, इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, काम करो, तुम अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो और अब हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो है मैं पैसा कमा ही लेता हूँ अच्छा खासा, तो तुम घर पे रह करके ही माता पिता की सेवा करो और अपना घर द्वार देखा करो। इस बात से पूजा इनकार कर देती है। उसके माता पिता भी बोलते हैं बेटा हमें कोई तकलीफ नहीं है, बहू कर रही है तो उसको करने दो, क्या इतराज है, उसकी खुशी है, बड़ी मेहनत और परिश्रम और लगन के साथ जो है उस नौकरी हासिल की है, सरकारी नौकरी ऐसे ही सबको नहीं मिल जाती है। वो जो राजेश था इस बात से इनकार कर देता है, कहता है नहीं अब इनको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, हमें और भी सब कुछ देखना रहता है। कि राजेश ये फैसला लेता है, फिर मजबूरी में आकर के पूजा जो है कि नौकरी छोड़ देती है। जब पूजा अपनी नौकरी छोड़ देती है तो उसके जो बैंक के कर्मचारी थे वो कभी कभी आते जाते, उसका घर क्योंकि रास्ते में ही पड़ता था तो पूजा से आकर के मुलाकात कर लेते थे। तो ये बात जो उसका पति देखता है तो उसको बुरा लगने लगता है। ये 2-3 महीना ऐसा सिलसिला चलते रहता है। तो जो उसका पति जब राजेश देखता है कि मेरी पत्नी से बैंक के कर्मचारी लोग आते जाते हैं, मिलते रहते हैं, तो उसको बुरा लगने लगता है, उसकी अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है। फिर इस बात से लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। उसकी पत्नी बोलती है ऐसा मेरे बीच में कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो उसका पति मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसे करते करते 5-6 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन गया था, किसी पार्टी में गया था राजेश। वहाँ जाने के बाद उसको यही सब
सताते रहता है, दिमाग की टेंशन उसको बनी रहता है, मेरी पत्नी गलत लाइन पे है, जो कि उसके कर्मचारी आते हैं उससे मिलते हैं, और जो कि बता दें दोस्तों कि पूजा जो थी वो बहुत ही एक नेक दिल की लड़की थी, उसके मन में कोई गलत भेद भावना नहीं था, उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि कर्मचारी आते थे तो आते जाते उसी रास्ते से आना जाना था, तो लोग रुक के दो चार मिनट उससे बातें कर लिया करते थे, हाल समाचार ले लिया करते थे। इसी वजह से राजेश जो है काफ़ी टेंशन में हो जाता है और एक दिन जाता है पार्टी में, वहाँ यही सब सोचते रहता है, और फिर वहाँ जो है कि पार्टी में शराब विराब जो है कि चलते रहता है, तो शराब पीता है, और पीने के बाद उसको और ज़्यादा टेंशन हो जाता है, उसको घुटन होने लगता है। जब वो आता है घर पे, देखता है कि जो कर्मचारी थे वो घर पे रिटर्न जाते समय उस पूजा के पास घर के बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ये देखते ही वो एकदम आग बबूला हो जाता है और उस कर्मचारी के सामने ही अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, उसके ऊपर हाथ उठा देता है, काफ़ी उसको पीटता है और अनाप शनाप बोलने लगता है। तो जो कर्मचारी थे उसके माता पिता सब मना करते हैं कि ये लड़की ऐसा नहीं है, तुम्हारे दिल में गलत फहमी हुआ है। तब जो है कि वो मानने को तैयार नहीं होता है और उसको पीटे जा रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था, फिर वो जो कर्मचारी था उठ के चले जाता है और उसके माता पिता उसको काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं पर वो सुनता नहीं है। पूजा जो है अपने सास ससुर की देखभाल करती थी, अच्छे से केयर करती थी, तो इसके लिए उन लोग को कोई तकलीफ नहीं पड़ने देती थी, इसके लिए उसके ऊपर तरस खाते हैं, लेकिन राजेश सुनने को तैयार नहीं होता है, बहुत मारता पीटता है। इसे करके चार पाँच दिन रहती है घर में, तो रोज़ ही उसको पीटता था। एक दिन फ़ोन करके अपने पिताजी से पूजा बोलती है, पिताजी हमको आओ यहाँ से लेके चलो, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमको रोज़ ये गाली देते हैं, मारते हैं। तब जो है कि उसके पिताजी आते हैं और राजेश से बोलते हैं कि दामाद जी ये सब क्या हो रहा है, तो उसके पिताजी को भी जो है राजेश जो था दो चार साल उल्टा सीधा बोल देता है। उसके पिताजी जो थे वो भी मायूस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उनको सदमा लग जाता है और जो है कि अपनी बेटी को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। पर उसी बीच जो थे राजेश के माता पिता थे वो बहुत माफ़ी मांगते हैं पूजा के पिताजी से। पूजा के पिताजी कहते हैं कैसे रखूं अपनी बेटी को आपके घर में, तो नज़ारा आपके बेटे का क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ, मेरी इकलौती बेटी है, मैंने इसे कभी डांटा तक नहीं है और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं है, गलत कदम उठाए आप इनके ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हो। इतना कहने के बाद अपनी बेटी को लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं। फिर पूजा अपने मायके में रह करके अब सोचती है क्या करूँ, तो जो उसके पिताजी थे वो रिटायर हो चुके थे, उनका पेंशन आया करता था, उसी पेंशन से जो है कि उनका घर परिवार चला करता था। उसकी माँ भी उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच में धीरे धीरे करीब करके दो साल का दिन बीत जाता है, तब उसके माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, अब वो लेने नहीं आएंगे तुमको, क्योंकि वो उनका जो शक है और जो उनकी नियत है उनकी नियत में खोट आ गया है। अब जो पूजा होती है बोलती है माँ जी शादी एक ही बार होता है, एक ही बार शादी अच्छा लगता है, बार बार शादी अच्छा नहीं लगता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपना जी खा लूँगी, जब भगवान की दया होगी तो एक दिन आएंगे और जब आएंगे अच्छे से रहेंगे तो साथ में जाऊंगी, अगर नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं, मैं अपना अकेले जी खा लूंगी। उसके पिताजी उसके सामने बैठ के रोने लगते हैं और कहते हैं बेटी मुझे माफ़ करना, मैं ही जल्दबाजी में जो है कि तुम्हारी शादी करा दी। पूजा बोलती है पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, जो कर्म किस्मत में लिखा होता है वो होके ही रहता है, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो दोस्तों करीब तीन साल का ऐसे दिन बीत जाता है, एक दिन उसके घर पर जो है कि तलाकनामा पेपर जाता है, जब पूजा वो पेपर देखती है तो काफ़ी टूट जाती है और काफ़ी सदमे में चली जाती है। तब फिर जो है कि वो पेपर लेकर के अपने पति के घर पे आती है, बोलती है कि तुम्हें तलाक देना है तुम दे दो, मैं तलाक नहीं देने वाली, क्योंकि शादी विवाह एक ही बार होता है, हमें तलाक से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें नहीं रहना है मत रहो, मैं तलाक पेपर पे जो है साइन नहीं करूंगी। इतना कहकर तलाकनामा पेपर जो होता है उसके घर पे रख के वो चली जाती है, फिर अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद फिर दो तीन महीने बाद उसके पिताजी का जो है डेट हो जाता है, और उसके पिताजी जो थे कि हार्ट की वजह से उनका डेट हो जाता है, जो ये सब टेंशनें चल रही थी, जो ये सब माहौल चल रहा था, इसी वजह से उनको जो है हार्ट अटैक आ जाता है और उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। तब जो है कि घर का स्थिति बिगड़ने लगता है, क्योंकि उसके पिताजी के ही पेंशन से जो है घर परिवार चला करता था, जब उसके पिताजी का डेट हो जाता है एक्सपायर हो जाते हैं तो पेंशन आना बंद हो जाता है। फिर उसकी बूढ़ी माँ रहती है और रो रहती है, फिर खर्चा चलाना भारी हो जाता है, फिर पूजा लाचार हो जाती है और इसी बीच में फिर सोचती है अब क्या करूं, तो नौकरी की तलाश बहुत करती है पर दोबारा से उसको उसकी नौकरी नहीं मिलती है। एक बार किसी का तकदीर चमक गया तो चमक गया, दोबारा फिर कोशिश जल्दी नहीं हो पाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, फिर और ज़्यादा लाचार हो जाती है। तब फिर वो फैसला करती है कि गाँव के चौराहे पर जाती है और वहाँ पर एक स्टॉल लगाती है और वहाँ स्टॉल लगा कर वहाँ अपना चाय नाश्ता बना करके बेचा करती है, जैसे अपना वो अपने और अपनी माँ का अपनों जन का जो है पेट का गुजारा किया करती थी। करीब ऐसा करते करते पाँच से छह साल का दिन इसी बीच में धीरे धीरे गुजर जाता है। फिर एक दिन जो ये राजेश है इसके घर पे एक शादी का कार्ड आता है इसके दोस्त का, फिर वो अपने दोस्त की शादी में जाता है और जाता है वहाँ रुकता है, और जब शादी विवाह का जो कार्यक्रम चल रहा था जो माहौल बना हुआ था उस माहौल में जब जाता है, तब इसके दिमाग में थोड़ा जो है बत्ती जलती है वहाँ का माहौल देख करके। जब पंडित जी जब दूल्हे दुल्हन को सात वचन के बंधन में बांध रहे थे
और अग्नि की फेरी लेते हुए और जब वो देखा वहां पर, तो उसकी जो है दिमाग की बत्ती गुल हो गई, उसको काफी टेंशन होने लगा। तब वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर दिया, मेरी पत्नी जो है सही थी और बच्चलन नहीं थी, और जो है कि वो काफी नेक दिल की लड़की थी, मैं ही उसके ऊपर खाली पीने का शंका किया। दोस्तों जो है शादी में आने से पहले जो है राजेश उस चीज का अच्छे से तहकीकात करता है, अच्छे से छानबीन करता है बैंक में जा करके, क्योंकि भाई वो अधिकारी था एक, तो उस चीज का अच्छे से छानबीन करता है। तो वहां से उसको मालूम पड़ता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं था, बस एक प्रेम, बस वो लोग रास्ते से आते जाते थे, कर्मचारी लोग बैंक के, उससे मिलके हाल समाचार ले लिया करते थे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। ये बात जो है उसको थोड़े दिन पहले ही मालूम पड़ा होता है, तो इसके लिए और टेंशन में रहा करता है कि मेरी पत्नी के ऊपर मैं जो है कि गलत लांछन लगाया, और काफी टेंशन में रहा करता था। मायूस हो जाता है, शादी का समारोह खत्म होता है, अपने घर पे आता है रात को, और काफी टेंशन में जो है कि अपने बेड पर लेटा हुआ रहता है, ऐसा मुंडी ऊपर करके बैठा रहता है और काफी टेंशन में रहता है। इसी बीच जो है वो कब सोचता है कि सुबह हो और कब अपनी पत्नी से मिलने चलूँ, उससे माफी मांगूँ और फिर अपनी पत्नी को वापस घर पे लेके आऊँ। इसी चक्कर में जो है दोस्तों रात भर वो सोया नहीं, सुबह उठता है, नहाता धोता है, फ्रेश होता है, ड्राइवर को बुलाता है, बोलता है चलो आज कहीं मार्केट घूमने चलेंगे, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, और निकलता है। फिर रास्ते में जाता है, एक सैलून में बैठता है, उस सैलून वाले से बोलता है कि मुझे एक ऐसा गेटअप बना दो, मुझे एक ऐसा बना दो कि मुझे कोई चिन्ह ना पाए, मुझे कोई पहचान ना पाए, मेरा गेटअप जो है पूरा चेंज कर दो। वो सैलून में बैठता है, करीब 2-2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। इसके बाद जो है उसका ऐसा गेटअप बन जाता है, सैलून वाला ऐसा गेटअप बना देता है कि किसी को वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। ड्राइवर जब उस गांव के चौराहे पे पहुंचता है तो सोचता है कि कुछ चाय पानी कर लूं फिर चलूं घर के आसपास, घूमूंगा, देखूंगा किस हालत में है, कैसे है, सब देखूंगा, क्योंकि वो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसे निकल गया था, करीब दोपहर का टाइम हो रहा था। फिर जब चौराहे पहुंचता है, जब चाय पीने के लिए बैठता है, तो दो कटिंग चाय बोलता है। उसकी पत्नी जब ये आवाज़ सुनती है तो उसके ऊपर मुंडी घुमा के देखती है कि ये तो मेरे पति की आवाज़ है, राजेश की आवाज़ है। तब वो देखने के बाद उसको ये आवाज़ से तो पकड़ ली, पर चेहरे से वो नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उसका पूरा गेटअप जो है चेंज हुआ रहता है। तब जो है कि राजेश तो अपनी पत्नी को देखते ही पहचान गया कि मेरी पत्नी यही है, और ये देखते ही उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब जो है कि वो जब दो कटिंग चाय ले जा करके पूजा जब अपने पति के सामने टेबल पे रखती है, तो देखते ही उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब जो है उसकी पत्नी बोलती है कि सर और कुछ, फिर राजेश बोलता है कुछ नहीं चाहिए। जब फिर दोबारा आवाज़ सुनती है अपनी पत्नी की, तब उसको यकीन हो जाता है कि मेरा ही पति है, राजेश है, जो भेष बदल के हमसे मिलने आया। तब उसको बोलती है कि आप राजेश हो। ये सुनते ही जो है कि राजेश और मायूस हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, और चाय नहीं पीता है। इसके बाद पहले अपने पत्नी के पास जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, क्यों रो रही हो तुम। ये नज़ारा देखने के बाद उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको संतोष होता है कि चलो इतने दिनों के बाद हमसे मिलने तो आए। अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती है, लेकिन जो है ऊपर से उसका बोलने का स्वभाव जो था थोड़ा कड़क होता है। तब वो राजेश कहता है कि रो क्यों रही हो। फिर उसकी पत्नी पूजा बोलती है आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तब जो है कि राजेश बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब उसकी पत्नी बोलती है मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाले, आप कौन हैं। राजेश जो होता है अपना वेशभूषा और दाढ़ी मोछे जो लगवाया था वो पूरा निकालता है और अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ कर बैठ जाता है, बोलता है पूजा मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ही तुम्हें अलानाह का तुम्हारे ऊपर शक किया, और जो है मुझे माफ़ कर दो। तब जो है कि पूजा भी बोलती है कि मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, तुम तो अपने घर से मुझे जलील करके भगा दिए और मुझे जो है कि बच्चन करके अपने घर से निकाल दिए। तब राजेश बोलता है तुम्हारे आने के बाद मैं बैंक में गया, छानबीन किया, तहकीकात किया अच्छे से, तो मालूम पड़ता है मुझे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी, सारी कमी मेरे अंदर थी। तुम एक नेक दिल की लड़की हो और अपना फर्ज अच्छे से निभा रही थी, पर मेरा ये मानसिक दिमाग जो है संतुलन मेरा बिगड़ गया था, मैं तुम्हारे ऊपर शक करने लगा। इसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन जो है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था, इसके लिए आज बहुत हिम्मत जुटा करके मैं गेटअप चेंज करके तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके भी दिल में ममता जाग जाती है, खुशी होती है उसको कि चलो मेरे पति को यकीन तो हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। फिर जो है पूजा राजेश को लेकर के अपने घर पे जाती है, वहाँ जाने के बाद उसके पिताजी नहीं है तो काफ़ी उदास हो जाता है, काफ़ी टेंशन हो जाता है उसको। फिर उसकी माता जी होती हैं, तो उनको प्रणाम करता है, फिर बोलता है कि माता जी मैं पूजा को लेने आया हूँ, मेरी गलती का मुझे अच्छे से एहसास हो गया है। तब फिर जो है उसकी माता जी खुश होती हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, गलत फहमियाँ होते रहती हैं, पर उसको जो है कि पहले उसको तहकीकात करना चाहिए, उस चीज़ का निवारण करना चाहिए, फिर कोई फैसला लेना चाहिए था। बोलता है उसकी माँ से कि अब आइंदा ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। तब जो है कि उसकी माता जो है कि फिर उन दोनों को विदा करती हैं।
राजेश जो होता है अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पे आता है। माता पिता पूजा को देखते ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता को अच्छे से ख्याल किया करती थी, अच्छे से उनका देखभाल किया करती थी। बहुत खुश होते हैं और फिर से अपना मिल के अपने परिवार में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी राजेश और पूजा की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप भी जो है कि छोटी छोटी गलतियों को जो है पहले उसकी अच्छे से जांच करें, छानबीन करें। छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत फहमियां लेकर के लोग पति पत्नी में, नाते रिश्तेदार में, भाईचारा में जो है कि मनमुटाव हो जाता है। इस चीज का जो है पहले उपचार करिए, फिर कोई फैसला लीजिए। दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है बाकी, और ना कि किसी के मन, किसी धर्म या किसी जात के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे और आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।